नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। आईपीएल 2019 के चौथे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रनों से हरा दिया है। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 170 रन बनाकर 9 विकेट खोकर इस मैच को हार गई। कल के मैच में अर्धशतक लगाने वाले क्रिश गेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, इस मैदान पर अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 5 मैच हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किंग्स इलेवन पंजाब पहली बार जीता है। अभी तक 5 के 5 मौकों पर राजस्थान रॉयल्स को ही जीत मिली थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आंजिक रहाणे ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी में किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत बहुत ही खराब रही। पहले ही ओवर में केएल राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले में किंग्स इलेवन पंजाब ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की। 6 ओवर के बाद स्कोर था 22-1। मयंक अग्रवाल ने 20 रन बनाकर क्रिश गेल के साथ 56 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन 9वें ओवर में वो भी आउट हो गए, जिससे किंग्स इलेवन पंजाब को बहुत बड़ा झटका लगा। किंग्स इलेवन पंजाब का 10 ओवर के बाद स्कोर था 68-2। फिर 12वें ओवर में क्रिश गेल ने अपना रुख बदला और जयदेव उनादकट के ओवर में लगातार 4 चौके 1 छक्का लगाकर 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रिश गेल ने 47 गेंदों पर 79 रन की धुआंधार पारी खेली। वहीं नए बल्लेबाज सरफराज ने 29 गेंदों पर 86 रन बनाकर टीम को 175 के पार पहुंचाने में मदद करी। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की बात करें तो ब्रेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए, वहीं धवल कुलकर्णी ने 1 और किस्टप्पा गौतम ने भी 1 विकेट लिया। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी शानदार रही। 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना दिए पावर प्ले के दौरान। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 96 रन बना दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने। आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 86 रन चाहिए थे। 13वें ओवर में अश्विन ने सभी को चौंकाते हुए गेंदबाजी छोर पर बटलर को डल आउट कर दिया, लेकिन अश्विन की इस हरकत को खेल भावना के विपरीत बताया गया। आखिरी 3 ओवर में राजस्थान रॉयल्स को 25 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते गए और राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार गई। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से सैम करन, अंकित राजपूत और मुजीबुर रहमान ने 2-2 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 1 विकेट लिया, जिसकी मदद से किंग्स इलेवन पंजाब राजस्थान रॉयल्स को हराने में कामयाब रही। आपको कैसी लगी ये हाईलाइट कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।